यार उनसे भी बोल लिया और बातें पहले थे उनसे भी बोलो, हमने उनका राजीव तो आप जो मौजूदा पार्षद है उनका क्या कहना है? उनका जो कहना है मैं तो मतलब मैंने तो बोर्ड खरीदी है, अब उससे बोलो बजट नहीं आता है कि जीनी है, मतलब 17 बहाने बना में। तो आपने नगर निगम में कोई शिकायत की? हाँ करी है। तो वहाँ से कोई अधिकारी आए? और जो हेमा माननी है उनके पास भी गए थे अगली साल, उनने जो कही जलेबी कचौड़ी खाओ और अपने घर पे जाओ। हाँ जलेबी कचौड़ी खा के अपने घर पे जाओ और मतलब मैं बना दूंगी सड़क को, मगर उनने भी सुनवाई नहीं की अभी तक। नारेबाजी कर रहे हैं। हमारी ये समस्या है कि आप पहले 5 साल पहले यहाँ रामजीत था, ठीक है, उन्होंने भी हमारी कोई सुनवाई नहीं की थी। इतनी बार हम गए थे, कंप्लेंट लेके गए थे, उनके पास में गए थे, उन्होंने फिर भी कोई सुनाई था, हाँ बनवा देंगे अभी रुको ये हो रहा है टेंडर आ रहा है, फिर कुछ नहीं। अब 5 साल बाद में जब चुनाव हुए तो जो हमारे पार्षद जी हैं अंकुर गुर्जर जी, ठीक है, वो यहाँ पे वोट लेने के लिए आए, तब उन्होंने हमने उनको सब कुछ दिखाया कि देखो ये हमारी समस्या है, हम वोट दें तो उसको दें जो हमारी समस्याओं को दूर करे। यहाँ देखो आपने देखा होगा अभी आए होंगे कितना जल भराव हो रहा है, कितने घर मकान तिरक चुके हैं, यहाँ बच्चों को बड़े बूढ़ों को सबको दिक्कत होती है। तब उन्होंने बोला कि ठीक है मैं जीत जाऊंगा तो मैं आपकी सारी समस्याओं को पूरा करूंगा, सब समस्याएं दूर कर दूंगा, तुम्हारी कोई दिक्कत नहीं होगी तुम्हारी। तो हमने इसी बात के लिए कि हम सब ने उनको वोट दिए, जिताया कि वो हमारी समस्याओं को दूर करें। अब वो जीतने के बाद में एक भी बार तो यहाँ आए नहीं है, एक भी बार आके उन्होंने ये नहीं देखा कि जहाँ से मैं जीता हूँ जिन्होंने सपोर्ट किया जिस जनता ने, मैं उनका जाके सहयोग करूँ ये नाली सड़क में, उन्होंने कुछ नहीं किया। कंप्लेंट हमने देखो डीएम के यहाँ भी कंप्लेंट की थी, ठीक है, डीएम के यहाँ कोई सुनवाई नहीं, उन्होंने बोला कि ठीक है चलो अगली सोमवार को आना मंगल को आना, तो उन्होंने भी नहीं की कुछ भी कि हाँ हो जाएगा। उसके बाद में हेमा मालिनी जी जो हैं हमने उनके पास में भी एक एप्लीकेशन भेजी थी, ठीक है, उन्होंने भी बोला था कि हाँ हो जाएगा, पर अभी कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। नगर पालिका भी हम लोग गए थे वहाँ पे भी हमने बोला था तो उन्होंने भी हमें टाइम दे दिया। क्या आपने वहाँ से बोला या कोई रिटर्न में लिख के दिया है कागज? रिटर्न में लिख के दिया है हमने, पर जो कागज दिया वो हमारे अभी जो हमारे भैया हैं उनके पास है, वो अभी 2 घंटे में आ रहे हैं, वो आपको सबको। अच्छा एक बात बताएं यहाँ कितना कितनी पुरानी समस्या है इस... ये समस्या 5 साल पहले से है, जबकि यहाँ पे 20 साल से यहाँ समस्या 20 सालों से है, यहाँ से कभी कुछ नहीं है। पर जो 5 साल पहले जो पता है, क्योंकि मुझे तो भैया 4-5 साल हुई है, तो यहाँ पे रामजीत था पहले सभासद, ठीक है, वो बाजने का रहने वाला है, उन्होंने बाद में हम सब लोग जाते थे तो वो बोलते थे हाँ बन जाएगा, तो रामजीत के उसमें ये नहीं हुआ, ठीक है। अब ये हमारे पार्षद जो हुए हैं महोदय जी हैं जो अंकुर गुर्जर जी हैं, उन्होंने भी कोई सुनवाई नहीं की। 5 साल में कितनी बार कंप्लेंट कर चुकी है? 5 सालों में हजारों बार कर दी होगी हमने कंप्लेंट। तो उनकी हार्ड कॉपी हमें मिल जाएंगी? हाँ मिल जाएगी हार्ड कॉपी। तो अब तक ऐसे कितने मकान है जो पानी के कारण फट चुके हैं? काफी फट चुके हैं भैया, आप ना पीछे गली में जाके देखिए वहाँ तो इतनी कंडीशन खराब हो रही है कि पूछो मत। क्या नाम है आपका? रीता शर्मा। कौन सा वार्ड है? ये देवीपुरा मेसनरी कॉलोनी है वार्ड नंबर 24। क्या आप लोगों की समस्या है? समस्या ये है ना नाली की सुविधा है ना रोड की सुविधा है, घरों का पानी है जो रोडों पे आ रहा है, और रोडों पे आ रहा है तो वो पानी सड़ रहा है तो बीमारी फैल रही है बच्चों घर घर पे, पेट में दर्द उल्टी बुखार खांसी जुकाम टाइफाइड बीमारियां बन रही है। पार्षद के पास गए उसने कुछ नहीं किया, उसने यही कहा मुझे तो बोर्ड भेजी है और मैंने बोर्ड खरीदी है, इसलिए मेरे उसमें अंडर में वो इलाका नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। क्या नाम है पार्षद का? अंकुर गुर्जर। तो आपने कोई नगर निगम या किसी और अधिकारी से शिकायत की? हाँ जी गए थे, डीएम ऑफिस भी गए थे, कचहरी भी गए थे, कई जगह हमने लिख के भी दिया है, एप्लीकेशन भी दिया, हम गए भी हैं टेम्पू में ट्रैक्टर में सब चीज में गए, बड़े बूढ़े हैं गिर गए हैं चोट लग गई है जख्म दिखा देंगे और अपने निशान दिखा देंगे चोटों का। तो फिर क्या कहना है उनका? उनका कहना यही है हमारे अंडर में नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते, हमें तो वोट बेची है और हमने वोट खरीदी है बस। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पीनी शर्मा है। कौन सा मोहल्ला है ये? ये मोहल्ला है बेतलो नगर कॉलोनी। वार्ड नंबर कौन सा है? 24। क्या आप लोगों की समस्या है जो आप लोग सब इकट्ठे हुए हैं? भैया का नाम में रोड और नाली की सबसे ज्यादा है, क्योंकि जगह जगह पे पानी भरा हुआ है, मेरे घर के बगल में और पीछे भी और दूसरे बगल में चारों तरफ पानी भरा हुआ है, इसलिए मेरा मकान फट गया है। और कई बार हम शिकायत कर चुके हैं लेकिन वो सुन नहीं रहे हैं पार्षद। क्या नाम है पार्षद का? पार्षद का नाम है अंकुर गुर्जर।
शिकायत कहाँ कहाँ करी पार्षद के अलावा? पार्षद के अलावा हम कचहरी भी गए हैं, दो बार हम कचहरी भी गए हैं और पार्षद के पास गए हैं, वैसे भी शिकायत की है, हमने फोन पे भी बात की है लेकिन वो नहीं आ रहे हैं। जिस दिन से वोट ले गए हैं उस दिन से इधर मुंह नहीं दिखाया उन्होंने। मतलब आपकी समस्या का कोई हल नहीं निकला है? नहीं, कोई कुछ नहीं निकलता है हल। और कई बार शिकायत करी है और यहाँ से बच्चे जाते हैं, हमारे स्कूल जाते हैं, तो मतलब यहाँ से देखो कहीं रोड नहीं है, नाली नहीं है और पानी भरा हुआ है। बच्चे सब सुबह कल गिर भी गए हैं, वापस आ गए हैं, स्कूल नहीं गए हैं। क्या नाम है आपका? सुभाष चंद्र। कौन सा वार्ड है? वार्ड नंबर 24 है भैया। क्या आप लोगों की समस्या है? समस्या मुख्य तीन है भैया, यहाँ पे बिजली, सड़क और नाली। तो जिस तरह का आपने बताई बिजली, सड़क, नाली, तो क्या आपने पार्षद से कोई शिकायत की? पार्षद विधायक एमपी सबसे शिकायत की है यहाँ पे। क्या शिकायत की आपने? उनका क्या कहना है? उनका कहना है, पार्षद जी का कहना है कि यहाँ पे अभी बजट आया नहीं और 30 लाख रुपए मुझे मिलते हैं साल में, और 30 लाख में इतने एरिया में कहाँ पर विकास कराऊँ। तो आपने नगर निगम कोई शिकायत की? नगर निगम में भी की है। तो क्या कहना है नगर निगम का भी? नगर निगम की भाई साहब बताओ, भाई साहब है नहीं यहाँ पे।